नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। एक कहावत है, पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जिस तरह से पाकिस्तान भारत के चुनाव में दिलचस्पी दिखा रहा है, उस पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। लेकिन भारत के चुनाव में पाकिस्तान के प्रेम को लेकर कुछ नेताओं पर उंगली उठ रही है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मुसलमान अपने वोट का छक्का लगाकर नरेंद्र मोदी को बाउंड्री के पार भेज दे। पाकिस्तान में सिद्धू का यह बयान 2 मिनट में ही हेडलाइन बन गया। तो उधर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीधा आरोप लगा दिया कि मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस ने पाकिस्तान से मदद मांगी है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी नए जिन्ना बन चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी की हार में पाकिस्तान अपनी जीत देख रहा है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, पाकिस्तान का मोदी हटाओ एजेंडा, क्योंकि मुसलमान पाकिस्तान और जाति पर सियासी संग्राम दूसरे चरण से पहले छिड़ चुका है और जनता जनार्दन के बीच से। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस लाइव। एकजुट होकर वोट डाला, मोदी सुलझ जाएगा। चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है, वोटर हिंदुस्तानी हैं, मुद्दा अपने देश का है। फिर क्यों भारत के चुनाव में पाकिस्तान इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है? जरा देखिए किस तरह सिद्धू का मोदी को हटाने का बयान सामने आते ही पाकिस्तान रेडियो ने ये ट्वीट किया, जिसमें कहा गया, भारतीय नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मुस्लिम वोटरों से चुनाव में मोदी को हटाने की अपील की है। Every time statements come of this nature in and around elections in India, and also when you know there have been eminent leaders of the Congress who have gone there to seek help, Modi hatane ke liye hame madad karo business. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी पाकिस्तान के एजेंडे पर भारत में काम कर रहे हैं, ये नए जिन्ना का प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, जनता एक होगी और पाकिस्तानी एजेंडे को फेल करेगी। रेडियो पाकिस्तान ने ट्वीट करा है, इंडियन पॉलिटिशियन कांग्रेस लीडर अर्जेस मुस्लिम्स टू राउट नरेंद्र मोदी। अगर आप समझते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने गलत कहा है तो चुनाव आयोग एक्शन लेगा। अरे नवजोत सिद्धू तो पाकिस्तान में जाइने जे रीते 9% करियाई बाज इमरान खान की दोस्ती ना आधार ऊपर पाकिस्तानी दलाली ओपन करे छे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अपने ही देश के कुछ नेता पाकिस्तान को खुला मौका दे रहे हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू दिल खोलकर इमरान खान की तारीफ कर चुके हैं और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए सबूत तक मांग चुके हैं। इसके अलावा मणिशंकर अय्यर, सैफुद्दीन सोज और सलमान खुर्शीद जैसे नेता भी पाकिस्तान को ऑक्सीजन देते रहे हैं। तो क्या अपने ही नेता बार बार पाकिस्तान को मौका दे रहे हैं? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, पाकिस्तान का मोदी हटाओ एजेंडा। पाकिस्तान का मोदी हटाओ एजेंडा और उसका विश्लेषण सुनिए। मोदी की चुनावी हार में अपनी जीत देख रहा है पाकिस्तान जैसा देश। मोदी सरकार के दौर में पाकिस्तान पर पड़ी चौतरफा मार अलग थलग करा गया। इसी वजह से पहले राउंड के चुनाव से पहले इमरान खान ने एक बड़ा जबरदस्त गेम खेला कि अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा। कुछ विपक्षी नेताओं ने मोदी के खिलाफ पाकिस्तान को दिया मौका, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, ये चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ये तमाम लोग पोस्टर बॉय बने पाकिस्तान के। नेताओं को समझना होगा कि वोट भारत के लोग देंगे, पाकिस्तान के नहीं। लोग ये देंगे वोट, पाकिस्तान के लोग नहीं देंगे वोट। उसके बाद वोट के लिए पाकिस्तान का मुद्दा बनाना सियासी दिवालियापन है, चाहे वो कोई भी पार्टी बनाए। ये मैसेज बीजेपी के लिए भी है और बाकी दलों के लिए भी। दूसरे दौर के मतदान से पहले जाति, पाकिस्तान और मुसलमान बड़े मुद्दे बन गए हैं। जिस तरह से जाति को लेकर सियासत छिड़ी है, अशोक गहलोत ने जो बयान दिया उसके बाद उन्होंने उस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया। उसके पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने मुसलमान पे बयान दिया और पाकिस्तान का राग भी जो छेड़ा गया है, जिसको रेडियो पाकिस्तान ने बिल्कुल हाथों हाथ लिया। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का आज के इस पैनल में। सबसे पहले तो जनता जनार्दन आपका अभिनंदन है, जोरदार तालियों से आप अपना स्वागत करिए, आप सबका स्वागत है। मेरे साथ
बीजेपी कांग्रेस से दो धुरंधर प्रवक्ता है। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। एके वाजपेयी चीफ स्पोक्स पर्सन लोक जनशक्ति पार्टी के है, एनडीए के पार्टनर है। मेरे साथ के सिन्हा है, मेजर जनरल रिटायर्ड। अभिनंदन करिए जोरदार तालियों से। और सतीश प्रकाश है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखते हैं। आपका भी स्वागत है। तो तालियों की कंजूसी नहीं है, ना ही सवालों में कोई कंजूसी बरती जाएगी, क्योंकि आज सवाल बिल्कुल सीधे होंगे। नुपुर शर्मा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, द स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट टू यू इज कि निर्मला सीतारमन कह रही है कि कांग्रेस के लोग पाकिस्तान से मदद लेकर मोदी को हटाना चाहते हैं, बिल्कुल क्यों? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आप एक बात देख लीजिए कि ऐसा क्यों है कि वही इमरान खान जो कल तक हमारी सरकार को, मोदी सरकार को गाली दे रहे थे, वो पूरी पाकिस्तान की पार्लियामेंट, तमाम उनके जर्नलिस्ट, पत्रकार, तमाम उनके नेतागण, चाहे विपक्षी हो चाहे पावर में हो, वो हमारी सरकार को गाली दे रहे थे भारतवर्ष की, अब एकदम से कह रहे हैं कि नहीं, हमारा ये एकदम से रुख बदला हुआ, उनकी टिप्पणी आ जाती है। ऐसा क्यों है? देखिए, दो चीज हो सकती है। या तो हमारे देश में चुनाव चलते हुए पाकिस्तान को लगा कि थोड़ी कांग्रेस की मदद कर दो, या फिर घबरा गई पाकिस्तान, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल रिलेशंस में सब ये समझते हैं कि भारत में तो मोदी सरकार दोबारा आने वाली है 2019 में, तो बच्चों अभी संभल के चलो, बाद में तो ये कद्दावर डिसाइसिव नेता है नरेंद्र मोदी, अभी तक तो दो सर्जिकल स्ट्राइक करिए और घर में घुस के मारेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगता है, मैं सीधा रुख करता हूं आपका। नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिया, पाकिस्तान के अखबारों ने, वेबसाइट्स ने, न्यूज चैनल्स ने उसको हाथों हाथ लिया, हेडलाइन बना दिया। रेडियो पाकिस्तान ने नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में, कांग्रेस के समर्थन में अपनी राय को भी लिखा कि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हट जाए, मुसलमान एक तरफा वोट करें। आपको ये जान के खुशी हुई या दुख हुआ? देखिए, ये पाकिस्तान आया कब से, मैं तो यहाँ प्यारे देशवासी बैठे, आप मुझे सवाल का जवाब देने दीजिए, फिर मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान कब आया। ठीक है, पाकिस्तान आया जब जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और बोलते हैं मैं शपथ नहीं लूंगा जब तक मेरा यार नवाज शरीफ नहीं आएगा, उससे पहले आज तक प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं बोला था, लेकिन उनको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। फैक्चुअली बात करिए, प्रधानमंत्री ने कभी नहीं बोला कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे, मैं शपथ नहीं लूंगा। समय एक मिनट देंगे तो मैं बिल्कुल एक मिनट दूंगा, सबसे पहले पाकिस्तान जब आया, जब प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ के बिना शपथ लेने को तैयार नहीं हुए, उसके बाद पाकिस्तान जब आया, जब बिन बुलाए पाकिस्तान प्रधानमंत्री जी बिरयानी और केक खाने पहुंच गए, उसके बाद पाकिस्तान जब आया, जब पाकिस्तान देश आईएसआई देश के अंदर घुसा और अमित शाह ने बोला कि मुझे आईएसआई की विश्वसनीयता पे पूरा भरोसा, उसके बाद पाकिस्तान जब आया, जब इमरान खान बोलते हैं खड़े होके कि मैं, जब प्रधानमंत्री ने लव लेटर लिखा इमरान खान को, तो इमरान खान ने कहा कि मेरा समर्थन है नवाज, कहना क्या चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सिद्धू में पर्दा डाल रहे हैं क्या? आप ये बताइए, सिद्धू में पर्दा डाल रहे हैं क्या इससे? हमें तो पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, मैंने आपसे तो सवाल, हम तो चाहते हैं नहीं, मतलब मैंने आपसे सवाल बड़ा सीधा पूछा, डिबेट हो न्याय पे, ये बेरोजगारी पे, किसानों पे, क्यों नहीं होनी चाहिए डिबेट, क्यों नहीं होनी चाहिए डिबेट? रेडियो पाकिस्तान कहता है नरेंद्र मोदी को हटाओ, और आप कहते हैं इस पे डिबेट नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए डिबेट? पाकिस्तान, पाकिस्तान, एक सेकंड, पता नहीं क्या है, गौरव वल्लभ, गौरव वल्लभ, गौरव वल्लभ, मेरे को तो समझ, गौरव वल्लभ, मेरा सवाल आप समझे नहीं, पब्लिक समझ गई, लेकिन ना और कोई बात करना चाहता है, आप अपनी राय रखना चाहते हैं, अपनी बात करना चाहते हैं, ठीक है, एक एक सेकंड सर, सर आप बड़े वरिष्ठ है, बोलिए। मेरा नाम ऋषि कुमार है जी। प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला था कि जब तक नवाज शरीफ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि जब देश के अंदर अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उन सब में जो है मुद्दे जो थे, रोजगारी, बेरोजगारी, ये सब ऐसे, किसने कितना काम किया, किसने कितना काम किया, ये मुद्दे होते थे। आज पाकिस्तान का मुद्दा है मोदी को हटाओ, तो वो मुद्दा अपोजिशन पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, सारी जितनी अपोजिशन पार्टी है, उनका ये मुद्दा क्यों है कि मोदी को हटाओ, ना कि विकास की बात करते हैं। बिल्कुल,
ये आप लोग नैरेटिव नहीं सेट कर पा रहे। नुपुर मैं आपको मौका दूंगा लेकिन क्योंकि सवाल कांग्रेस है आप लोग नैरेटिव नहीं सेट कर पा रहे। आपका एक ही नैरेटिव है मोदी को हटाओ, मुसलमान एक साथ आओ, मोदी को हटाओ। सवाल पूछा उसका जवाब जी 15 सेकंड। आपने भाई साहब आज तक सुना कि भारत की प्रधानमंत्री की शपथ में प्रधान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आया? आज तक मोदी के अलावा किसी ने बुलाया हो तो ठीक है, नुपुर शर्मा जवाब। बुलाया हो तो बताइए आप, नुपुर शर्मा जवाब मेरे को बताइए। एक सेकंड देखिए, सार्क के सभी देशों को बुलाया था भाई साहब, सार्क के सभी देशों को बुलाया था, गलत बोल रही है भाई साहब। आज तक मनमोहन सिंह जी राष्ट्रमंडल के देशों को बुलाया था, पाकिस्तान भी उसमें से एक था। ठीक है ठीक है, आप रुके रुकिए, मुझे बताएं आप कुछ कह रहे थे लेकिन 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 आप नुपुर 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 ऑन स्क्रीन नुपुर नुपुर जवाब आपका जवाब हुआ आप नुपुर जवाब बोले लगातार बोल रहे हैं आप लगातार बोल रहे हैं नुपुर में क्यों बोल रहे चलेगा। ठीक है एक बात बताइए मुझे, पाकिस्तान तब नहीं आया, पाकिस्तान तब नहीं आया जब 26/11 में पाकिस्तान के आतंकी घर में घुस के बंबई के अंदर बिल्कुल बम विस्फोट कर गए और सौ हजारों लोगों को घायल कर गए और मार गए। पाकिस्तान तब नहीं आया जब फली होमी मेजर ये कह के गए उस टाइम के एयर चीफ मार्शल कि हमें एक महीने तक फ्रंट पर रखा गया, लेकिन इस सरकार ने नीयत नहीं थी कि हमें गो अहेड दे के पाकिस्तान के अंदर। बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत तब याद नहीं आया जब सिद्धू कहते हैं कि मुसलमानों साथ में वोट दो, इनको न्याय तब याद नहीं आया जब सैम पिट्रोडा कहते हैं इनके कद्दावर नेता है कि भाई पाकिस्तान पे हमला करने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय, बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं पब्लिक के पास भी आऊंगा लेकिन इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। बाबा रामदेव ने, यो गुरु बाबा रामदेव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम देश मोदी के खिलाफ खड़े हो गए हैं और ईसाई बहुल देश भी मोदी के खिलाफ है, वर्ल्ड फंडिंग हो रही है नरेंद्र मोदी को इस चुनाव में हराने के लिए, मोदी को हराना चाहते हैं कई विदेशी देश क्योंकि मोदी सशक्त नेता है। यह बड़ा आरोप है बाबा रामदेव का कि विदेशी फंडिंग की जा रही है इस चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी को चुनाव हराने के लिए। तो सेकेंड राउंड से पहले बाबा रामदेव की यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मैं सीधा आपका रुख करता हूं एके वाजपेयी, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि ईसाई बहुल देश मुस्लिम बहुल देश, यानी उनका यह कहना है कि क्रिश्चियन मिशनरी कई इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी किसी तरह से भारत का अगला प्रधानमंत्री नहीं बने, ये आरोप क्यों? ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, ये बिल्कुल बड़ी सच्चाई है। देखिए पाकिस्तान पे अगर किसी ने एक कॉन्फिडेंशियल एक ब्लंट पॉलिसी बनाई है तो मिस्टर मोदी ने बनाई है और उससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पीड़ा पाकिस्तान को भी लगता है। जो बाबा रामदेव आरोप लगा रहे कि कई विदेशी देश विदेशी फंडिंग करके मोदी को हराना चाहते हैं, कौन 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 अपनी राय रखना चाहता है इसके ऊपर, बताइए बताइए बताइए। सर जो रामदेव बाबा कह रहे हैं ना ये 100% राइट है। क्यों? और कांग्रेस पार्टी साफ साफ मुसलमान को सपोर्ट भी करता है, ये अभी अभी उनके बयान में जो अफसा को हटाने के लिए कह रहे हो, हम मोदी जी ने उसको कितना टाइट करने के लिए रखा। ठीक है ठीक है, और कौन अपनी राय रखना चाहता है इस विषय के ऊपर, बताइए सर आप कुछ कहना चाहते हैं। मुस्लिम कार्ड ईसाई कार्ड नहीं, ये जो बाबा रामदेव की बात है, बाबा रामदेव बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कहा इन्होंने। ठीक है, और ये हकीकत है, ये ठीक है। अभी क्या किसी ना बतौर 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 सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये बहुत बड़ा, एक सेकंड, ये बाबा रामदेव का बहुत बड़ा आरोप है या फिर बयान है कि कई विदेशी फंडिंग हो रही है नरेंद्र मोदी को चुनाव हराने के लिए। देखिए अमित जी, जो ये बाबा रामदेव तो आज बोल रहे हैं, ये इंटरनल सिक्योरिटी जब आप इसको रिव्यू करते हैं तो ये पहले ही आया हुआ है। कोई नहीं चाहता कि भारत जो आज एक मुकाम में पहुंचा है ब्रेक थ्रू करने के लिए, पूरे विश्व में एक उभरती हुई शक्ति बनने, उसको रोकने के लिए तो विदेश की फंडिंग हो ही रही है, ये कोई नई बात नहीं है, सच्चाई है। सुन लीजिए एक मिनट, मुझे खत्म करने, मुझे ध्यान में आता है जब इंदिरा गांधी मेरे को खत्म करने की लड़ाई जीती थी, उसके बाद एक बड़ा प्रयास हुआ था इंदिरा गांधी को हटाने का। एब्सोल्युटली आज नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं तो उनको हटाने का प्रयास हुआ, यानी भारत को विश्व मजबूत नहीं देखना चाहता इसमें, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्विकली जब जब देश में एक डिसाइसिव लीडर आएगा, और डिसाइसिव लीडर क्योंकि ये तय है, ये आप देख लीजिए 10 साल में भारत ऐसे मुकाम में पहुंचने वाला है जो कि विश्व के ऊपर में एक ऐसी शक्ति बनने वाला है, इसको रोकने के लिए सब काम करते हैं, और एक डिसाइसिव लीडर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मोदी का होना जरूरी है, ये दिखाया है। राय लूंगा, कोई काफी लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे आप? सब खड़े खड़े होइए। 20,000 जो नहीं, ये बाबा रामदेव ने जो बड़ी स्टेटमेंट दी, रामदेव ने बिल्कुल सही बोला। क्यों 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 लगता है आपको?
क्योंकि एनजीओ 20,000 एनजीओ बंद हुए हैं जिनकी फंडिंग आती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं वो, जिनको बोला था एफसीआरए के थ्रू आओ, और बाकी भी चीजें जो हैं सारे की सारी फंडिंग बाहर से हो रही है, जैसे ये हुर्रियत के नेता हैं सारे, ठीक है, पर इनकी फंडिंग तो अभी फिलहाल रोक दी गई है। मैं सतीश प्रकाश अभी तक बहस भी नहीं आए, सतीश जी आपके पास आ रहा हूं। ये जो बाबा रामदेव आरोप लगा रहे हैं या फिर बड़ा बयान दिया है बाबा रामदेव का कि फॉरेन फंडिंग हो रही है नरेंद्र मोदी को चुनाव हराने के लिए, रेडियो पाकिस्तान खुले तौर पर एंडोर्स कर रहा है नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, रक्षा मंत्री कह रही है कि पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का क्या याराना है, बताइए। नहीं देखो ऐसा है ना, बाबा रामदेव जी के इतिहास को जान लेना चाहिए। बाबा रामदेव एक व्यापारी आदमी है और वो व्यापारिक सोच, हाँ बाबा सुन लीजिए ना, बाबा रामदेव एक व्यापारिक आदमी है। ये व्यक्ति अगर अन्ना हजारे के आंदोलन में बीजेपी के नीतियों में विश्वास दिलाते हैं, यही बाबा रामदेव कांग्रेस के सहयोग से इस रामलीला मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं। तो रामदेव जी की बातों को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एक बात और, अभी तक हम, मेरे लिए दुख की बात यह है कि अभी तक हम पाकिस्तान के ऊपर यह आरोप लगा देते कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकवाद को पोषित करता है। आज इस देश के सामने और इस डिबेट में शामिल होकर के मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक राजनीतिक आतंकवाद चला रहा है, ठीक है। आज पाकिस्तान, आज हमारे देश की हालत ये होगी कि हमारे देश का नेता कौन होगा, हमारे देश में सरकार किसकी होगी, ये पाकिस्तान डिसाइड करेगा। नूपुर शर्मा, अगर पाकिस्तान ये डिसाइड करेगा तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये सवाल है। अगर नरेंद्र मोदी जी पूरे देश की जनता का समय काट करके, आप लोग तो चाहते हैं बोलना, आज इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतनी कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल नूपुर शर्मा, आप का समय है, आप पर अटैक हुआ। बाबा रामदेव, पहले मैं उनकी बात क्लियर करूं, बाबा रामदेव पे कांग्रेस का कितना सहयोग था सबको भली बात याद है। रामलीला मैदान में छोटे बच्चे महिलाओं के ऊपर कांग्रेस की सरकार के गृह मंत्री ने डंडे बरसाए थे सोते हुए लोगों के ऊपर। दूसरी बात, अब भाई मोदी जी की बात, अब भाई मोदी जी की बात देखिए, कांग्रेस देखिए कांग्रेस का क्या करे पाकिस्तान पाकिस्तान के पूर्व मंत्री रहमान मलिक ये क्यों कहते हैं कि भैया अगला भारत वर्ष का प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी होना चाहिए? पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 21 विपक्षी पार्टियों की स्टेटमेंट क्यों टेबल होती है? पाकिस्तान के आतंकवादी मसूद अजहर को राहुल गांधी मसूद अजहर जी क्यों बोलते हैं? सिद्धू जाके पाकिस्तान आर्मी चीफ को गले लगाता है, संदीप दीक्षित हमारे सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बोलता है, ये असलियत है कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, अब आपने भी बात को रख लिया, अब मैं सीधा सवाल आपको बताऊंगा। पहले गौरव वल्लभ, बाबा रामदेव की बयान पर आपकी राय। जी मैं पहले मेरे भाई के बड़े भाई साहब को मैं जवाब नहीं दे पाया था, भाई साहब मेरा जवाब नहीं दिया कि कभी आज तक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कोई भारत के प्रधानमंत्री की शपथ में आया क्या? क्यों बुलाया? अरे सार क्यों बुलाया भाई? भाई। दूसरी बात भाई साहब, मेरे को बोलने दीजिए। दूसरी बात भाई साहब, 10 साल तक मनमोहन सिंह जी नहीं गए थे ना पाकिस्तान, ये बिना बुलाए केक खाने चले गए। तीसरी बात भाई साहब, क्यों इमरान खान समर्थन देता है? क्यों पुलवामा के शहीदों की चिता भी ठंडी नहीं हुई? उससे पहले मोदी जी ने लव लेटर पुलवामा का तो बदला इसी नरेंद्र मोदी ने लिया। इमरान खान से क्या समर्थन लाने की जरूरत थी? गौरव जी 26/11 तो कांग्रेस के रिजिम में हुआ था ना, अब आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलवामा इस रिजिम में हुआ, इन्होंने एयर स्ट्राइक करी पाकिस्तान के अंदर, घुसकर करी ना, ठीक है। लेकिन पब्लिक का सवाल फिर देखिए, हिंदुस्तान की आत्मा पे सबसे बड़ा हमला हुआ पार्लियामेंट का हमला, वाजपेयी जी थे उस समय प्राइम मिनिस्टर। जम्मू कश्मीर असेंबली पे हमला हुआ, वाजपेयी जी क्या वाजपेयी
वाली बात मत करो। फिर दूसरी बात, आपने रामदेव जी की, रामदेव जी हुआ हुआ हुआ, रामदेव जी पे पांच सेकंड सवाल पूछे, सवाल पूछे, रामदेव जी पे बोल लूं। आपने बोला 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 नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, पब्लिक का सवाल है, बोलिए सर, बोलिए। गौरव वल्लभ, मैं हाँ जी गौरव वल्लभ साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक सेकंड चुप रहिए आप लोग, अरे ऑडियंस को, इनको मैं सेंटर में ले आता हूँ। आइए 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 सेंटर में आ जाइए, आइए अपना सवाल सुना दीजिए। बोलिए 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 बोलिए, सवाल क्या, सवाल है, सवाल तो बताइए, सवाल क्या है बताइए। सवाल करो आप, इधर आ जाइए। नहीं नहीं, सवाल नहीं, सवाल तो सुनिए इनका, सवाल तो सुनिए इनका, ऊपर कर लेंगे बात क्या। सवाल 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 करी, सवाल सवाल करी, मैं आपसे यही से बात कर रहा हूं। जी जी जी, माइक माइक माइक, माइक दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, माइक मैं दे रहा हूं उनको, माइक आप रुकिए, सवाल बोलिए बोलिए। गुरु वल्लभ साहब, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वहां पर क्यों बुलाया? नवाज शरीफ वहां पर चुने हुए प्रधानमंत्री, वो कोई आतंकवादी नहीं थे कि जो उसको बुलाया था। आप ये समझने की कोशिश, ठीक है ठीक है ठीक है, वहां पर नहीं, हाथ 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 हाथ, ये तरीका नहीं है। आपने अपनी बात को रखा, आपने सर अपनी बात को रखा, ठीक है। खान जो है वो चुने हुए प्रधानमंत्री, अपनी सीट पे जाइए सर। गौरव एक सेकंड, आप अपनी बात को रखिएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सिद्धू को बुलाया, सिद्धू प्रधानमंत्री है क्या? ठीक है ठीक है, प्रधानमंत्री है, ठीक है ठीक है, मोदी जी का काम है, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑडियंस के साथ मत इंडल जी, गौरव वल्लभ, गौरव वल्लभ, ऑडियंस के साथ मत इंडल जी, नूपुर नूपुर प्लीज, नूपुर प्लीज, एक सेकंड, पब्लिक पब्लिक कुछ कहना चाह रही है, एक और सवाल, अपनी बात तो रखिए, अपनी बात, सब गेस्ट कोडी डाउन है। अब गौरव वल्लभ जी, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी गए थे नवाज शरीफ की शपथ ग्रहण में, तो सर ये क्या तरीका है सर? ऑडियंस को तो बोलने दीजिए ना। नवाज शरीफ को बुलाया गया था प्रधानमंत्री जी, नवाज शरीफ वाला मुद्दा नहीं है, आप बात अपनी। मेरा ये कहना है कि सिद्धू फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सिद्धू जी क्यों गए थे इमरान खान की शपथ ग्रहण में? ठीक 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 ठीक, नूपुर 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 अपनी टर्न को वेट करिए। के सिन्हा साहब और एक बात पर आप दोनों के पास मैं अब आऊंगा। के सिन्हा, पॉइंटेड सवाल मेरा ये है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई काम नहीं है, दूसरी तरफ एक मंत्री है गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे राहुल गांधी, क्या वो जायज है? देखिए, क्या वो जायज है? देखिए, जायज तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की एजेंडा एब्सोल्युटली पाकिस्तान चला रहा है। पाकिस्तान की एजेंडा क्या है यह आपको समझना पड़े। पाकिस्तान इंडिया को 1000 कट देना चाहता है। 1000 कट का मतलब है इंडिया को बांटना चाहता है, और बांटने के लिए उसने दो, एक K2 प्लान है, K2 प्लान, और ये इसके बाद चलाया। K2 प्लान क्या है सुन लें, 20 जो हमारे पास लाख ये मुस्लिम हैं जिनकी बात आज हो रही है वो उसको बांटना चाहता है, 14 लाख जो हमारे सिख हैं उनको बांटना चाहता है, और ये जो K2 प्लान है उसमें वो कामयाब है, क्योंकि आज जब आप कहते हैं होगा जी हाँ। अगर हम बोलेंगे पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं तो उससे क्या K2 प्लान को बल नहीं मिलेगा? मेरा पॉइंट सवाल ये, एब्सोल्युटली मिलेगा। देखिए यही तो है, तो फिर गिरिराज सिंह क्या कर रहे हैं? हम लोग उसमें फंस चुके हैं, सिद्धू फंस चुका है। देखिए तो आप सुने ना मेरी बात, देखिए चुनाव लड़ रहे हैं वो, जब आप मेरी बात सुने, देखिए जो 20 करोड़, सुन लिए मेरी बात, जो 20 करोड़ मुस्लिम की बात पाकिस्तान करता है वो चाहता है कि ये बटे, और वही चीज सिद्धू जाकर के बीमार में करते हैं। हमारे हमारे यहाँ के जो मुसलमान है वो अब्दुल कलाम साहब जैसे हैं, तो वो बटेंगे नहीं, और वो पाकिस्तान को जवाब देना जानते हैं। हमारे यहाँ के मुसलमान मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे हैं, हमारे यहाँ के मुसलमान बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हमारा देश जो है ना वो बहुत बड़ा देश है, इसलिए एक बात पाकिस्तान ने इंडियन आर्म फोर्सेस को बांटने की कार्रवाई करने का समय नहीं है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान को क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात सुन ले,
कांग्रेस की सरकार में हुआ था तो पाकिस्तान का एजेंडा है ना ये, ठीक है ठीक है, पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है क्या? जी 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 जी, एक बात पे, एक बात पे आपको सबसे ज्यादा समय मिला है, एक बात पे अपनी बात को कंप्लीट करिए। एक बड़ी जो मुझे लगता है मजालिस करनी चाहिए डिबेट, जो सारे के सारी जनता यहाँ बैठी है वो इस एडमिटेड फैक्ट को अप्रिशिएट करेगी। देखिए कांग्रेस का 70 साल राज रहा लेकिन इनकी नीतियां रही ढुलमुल लिबरल, कि भाई 70 साल में अलगाववादियों के खिलाफ न तो सिक्योरिटी विड्रॉ की, ना उनकी प्रॉपर्टी अटैच की, ना उनके बैंक अकाउंट अटैच किए, और पाकिस्तान के साथ उनका ये रिश्ता ढोलम ढोल वाला। और जब से मोदी जी आए उन्होंने स्टैंड लिया, आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड लिया, पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान पे घुस के मारा, और ये शुरुआत कहां से हुई? मणिशंकर अय्यर 2015 में जब गए वहीं से ये प्लानिंग हो रखी है इनकी कांग्रेसियों की कि किसी तरीके से मोदी को हटाना है। और ये महागठबंधन कहां से आया? ये भी राहुल गांधी की उपस्थिति, कांग्रेस ने पहली बार कॉल दी कि अगर मोदी को हटाना है तो सबको एक होकर महागठबंधन बनाना है। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि ये जो महागठबंधन तो है ही, लेकिन विश्व की बड़ी शक्तियां नरेंद्र मोदी को हराना चाह रही है, पॉइंट वो है। ठीक है, बाबा रामदेव पे गौरव वल्लभ आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन पॉइंट इस समय ये है गौरव वल्लभ, जो नैरेटिव सेट हो रहा है, जो नैरेटिव को आप लोग सेट करना चाह रहे हैं, जिस नैरेटिव को अपोजिशन सेट करना चाह रही है, जिस नैरेटिव को रूलिंग पार्टी सेट करना चाह रही है, वो दोनों अपने तरीके से है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं, क्योंकि उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, बाबा रामदेव की बात का भी जवाब नहीं दिया, और रेडियो पाकिस्तान एंडोर्स कर रहा है? मैं बाबा जी की बात करता हूं, या तो बाबा जी सही बोल रहे हैं या भारत सरकार सही बोल रही है, दोनों सही नहीं बोल सकते। अगर बाबा जी की बात पे मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं तो वो योग गुरु है, बहुत विख्यात है, उनकी बात पे देश दुनिया विश्वास करता है। मत बोलिएगा, नहीं नहीं आप सुनिए ना, सुनिए तो सही, वो कार्रवाई करा देंगे आप, अमीश भाई सुन तो लीजिए। पर भारत सरकार बोलती है कि हमारी तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से बात हो गई, पहली बार सुषमा जी को बुलाया, जब ये दो बातें कैसे, एक तरफ तो कहते हो हम रूस यूरोप जर्मनी सबको दड़ा के हाथ रखते हैं, और अब बाबा जी की बात माने तो कह रहे हैं वो यहाँ पे आके, ये दोनों बातें नहीं हो सकती। और दूसरी बात, मेरे को 10 सेकंड दे दीजिए, 15 सेकंड आपके पास है, फिर आप अपनी बात रखिए, फिर आप लोगों के साथ। वाजपेयी जी ने आज एक बहुत रोचक जानकारी दी कि मोदी जी और वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेसी बन गए, क्योंकि बोल रहे 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तो 70 साल में तो वाजपेयी जी और मोदी जी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। एक रोचक जानकारी दी है, सवाल कांग्रेस से है जी, टी शर्ट से लग रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी भाषण देते हैं सबको इधर ले आएंगे, तो आपको इधर जाना पड़ जाएगा। पब्लिक कह रही है आप पब्लिक कह रही है आपको इधर ही आना है। कोई खड़ा नहीं होना चाहता आज के टाइम में कांग्रेस के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री सर जी एक मिनट सवाल सुन लीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर दिन भाषण देते हैं, सबसे पहले बोलते हैं भारत माता की जय, एंड में भी भारत माता की जय। राहुल गांधी भी रोज जनसभा करते हैं, भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हैं? और क्यों नहीं बोलते भारत माता की जय? भारत माता की जय, जिस जो बंदा भारत माता की जय नहीं बोल सकता वो भारत में रहने लायक का नहीं है। ठीक है ठीक, गौरव वल्लभ से सवाल आ रहा है, क्या कर सकते हैं हम भाई, 15 सेकंड भाई मेरे, जय हिंद क्या भारत माता की जय नहीं है? जय हिंद क्या गाली है क्या देश में? क्या बात करते हो भैया, जय हिंद बोलते हैं राहुल गांधी जी, जय हिंद, हिंद की जय बोलना क्या गाली है क्या भैया? ऐसे बहकावे में मत आओ, अपना रोजगार का अगला सवाल, लेकिन उससे पहले कमा के निकल लेंगे, आपको चांस दूंगा, छोड़ देंगे। ठीक है गौरव वल्लभ, गौरव वल्लभ वाणी को विराम दीजिए, बोला बोला पब्लिक, एक सेकंड, आप मुझे पता कई सारी बातें करना चाहते हैं लेकिन 35 दिन बाकी है, 23 मई को 35 दिन बाकी है। निंदा कीजिए, दुनिया के कई संगठन, बाबा रामदेव ने बोला नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एक साथ खड़े हो रहे हैं, विदेशी फंडिंग हो रही है, क्या नुपुर शर्मा ये सब कुछ
अगर महागठबंधन एक तरफ है, क्योंकि अभी खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है, सब लोग एक तरफ आ रहे हैं, बड़े बड़े संगठन एक तरफ आ रहे हैं विदेशों के भी मोदी को हराने के लिए, तो कैसे लाएंगे नरेंद्र मोदी को? नुपुर शर्मा कैसे लाएंगे नरेंद्र मोदी को अगर सभी हटाना चाहते हैं? तो लाएगी ये जनता जनार्दन, जो भारत की नागरिक है भाई साहब। अभी चुनाव भारत में हो रहे, पाकिस्तान में नहीं हो रहे, पहले मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात सुन लीजिए, क्योंकि बहुत लोग देर के बाद अब मेरे पास आ रहे हैं। ये कहते हैं पुलवामा की चिताएं ठंडी भी नहीं हुई थी, लेकिन इनके सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला और चिल्ला कुमार ऑन रिकॉर्ड जाके क्लीन चिट देते हैं, जैश ए मोहम्मद मान चुका है पुलवामा हमने किया है, फिर भी सुरजेवाला कहते हैं होम ग्राउंड टेररिस्ट, मतलब कि हमारे देश से ही टेररिस्ट आया है। दूसरी बात, चेल्ला कुमार इनके ही राष्ट्रीय सचिव है एआईसीसी के, पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये तो हमारी भारत सरकार की साजिश थी कि हमारे जवान मरवा दिए, इनको शर्म नहीं आती। वो तो रामकुमार यादव ने बोला, दूसरी चेल्ला कुमार ने भी बोला। आगे सुन लीजिए प्लीज, अभी इसमें किसी के बीच में नहीं बोलिए, ठीक है? बोलिए अपनी बात को, लेकिन मैंने पॉइंट को रखा। सबसे पहली बात, आप हमें बदमाश कहते हैं भाई साहब, आप सिद्धू को क्या कहेंगे जो बजवा को गले लगाते हैं? संजय निरुपम जो कहता है सर्जिकल स्ट्राइक है, संजय निरुपम कहता है सबूत दिखाओ, आपके वीरप्पा मोइली हमारे वायुसेना के अध्यक्ष धनुआ को झूठा बोलते हैं, सारी गालियां भारत के लिए, सारी पप्पी झपियां और सब कुछ पाकिस्तान के लिए, सारी इज्जत आपके पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए। कभी ओसामा जी, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपकी पार्टी भी आपको बार बार याद दिलाती रहेगी। एक बात आज एक बात दिल से करिएगा, आप बड़े सरल आदमी हैं और पेशे से प्रोफेसर भी हैं, क्या आपको लग रहा है आज की तारीख के अंदर ये सिद्धू को देखकर, मणिशंकर अय्यर को देख के, कि कांग्रेस के प्रवक्ता बन के फंस गए? अमित भाई एक सेकंड, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं सरल आदमी हूँ और बिल्कुल सरलता से ही जवाब दूंगा। मैं आपको दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, मुझे उस दिन लगता अगर येदुरप्पा ये नहीं बोलते कि पाकिस्तान के हमले से हम 22 सीटें जीत जाएंगे, मुझे उस दिन लगता ये बात अगर SS आलूवालिया बोलते कि ये हमला बालाकोट हमला नहीं हुआ है, ये दिखाने के लिए किया है, मुझे उस दिन लगता जब साक्षी महाराज जब शहीद की चिता जा रही थी, अर्थी जा रही थी, तो ऐसे अभिवादन कर रहे थे जैसे प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। उनकी हालत देख के मुझे बिल्कुल नहीं लगा, और मुझे उस दिन जरूर कि मैं उस दिन जरूर लगता, देख के बुरा नहीं लगता, मेरी बात को सुनिए, लास्ट बात तो बोल लेती है, मुझे उस दिन जरूर बिल्कुल नहीं लगता अगर अमित शाह साहब खड़े होके बोलते 250, योगी बोलते 400, उप मुख्यमंत्री बोलते, अरे मरे वही तो बोला भैया, आतंकी मरे हैं, ये थोड़ी बोला फिर मरे हैं, लोगों के शहीदों के साथ खेल रहे हो आप, रोजगार पे कुछ नहीं, न्याय पे कुछ नहीं, किसानों की बदाली पे कुछ नहीं, कब तक अफीम चटाते रहोगे? एक सेकंड, पब्लिक भी कुछ कहना चाह रही है, कब तक अफीम चटाएंगे? एक सवाल, सर, आप कोई पूछा जाता सवाल आप लोग में से कोई? जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, चाहे गौरव बल्लभ हो, चाहे रोहन गुप्ता हो, चाहे सापरा जी हो, चाहे कोई भी हो, इन्हें सिर्फ चार बातें याद रहती हैं, चार ही पढ़ाई हुई है राहुल गांधी ने इनको, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए, कांग्रेस सरकार, और भी कुछ नहीं सिखा आपको, एक आप बोलते 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 इतने, और तुम्हारे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, आप कितना भी गठबंधन कर लो, कितने भी महामिलाट कर लो, तुम्हारी जो है आपका 44 से कम है, मेरे पास 40, ठीक है, एक और सवाल लूंगा, ठीक है, एक सेकंड, नुपुर, तब आपको राहुल गांधी पे आशंका नहीं हुई जब पाकिस्तान परस्त टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में जाके खड़े हो गए थे JNU के अंदर, वो इस चीज का वहां पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि एक पाकिस्तान परस्त आतंकवादी को गैलोस तक भेज दिया था, उनको फांसी करा दी थी, ऐसे लोगों के समर्थन में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जाके खड़े हुए थे, तब आपको नहीं आई बेरोजगारी? आपको तब भी याद नहीं आई जब दिग्विजय सिंह ने कहा 26/11 RSS की साजिश है? आपको तब
भी आदमी आई जब राहुल गांधी पहले भी आप कह चुकी है बात है सतीश सतीश बीजेपी ने सेम सीढ़ी लगा रखी है इनके पास पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं है, आपके पास जाति और मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। सुनिए, जाति और मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है, क्या है उसके अलावा? सुनिए, हम आपने तो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को भी जातिवादी बना दिया, शर्म आनी चाहिए। सम्मान की बात करते हैं, है ना, हम रामदेव जैसे लोगों की बात नहीं करते। रामदेव जैसे व्यक्ति को वो अगर रामदेव ने क्या अपराध कर दिया? रामदेव रामदेव योगा गुरु है, उसने अपराध क्या कर दिया? रामदेव ने अपराध क्या करा? कहीं ना कहीं रामदेव रामदेव के करप्ट आदमी है, रामदेव के पाकिस्तानी है, रामदेव योगा गुरु है, गरीब परिवार का है, यहाँ तक पहुँचा है, रामदेव ने क्या गलत कर दिया? एक व्यवसायी का जनता है वो अपने पसंद की सरकार। अरे रामदेव गुरु काले धन के ऊपर सरकार को घेरा, कांग्रेस को घेरा, भ्रष्टाचार के ऊपर कांग्रेस को घेरा, उन्होंने पूरे पांच साल में कोई सवाल उठाया है क्यों है बताइए ना? तो घेरा नहीं चाहिए आज कौन से रामदेव के गलत आदमी है क्या भाई? खड़े होइए। मैं आदरणीय गौरव जी से पूछना चाहता हूँ, जो आप तो बड़ी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सतीश प्रकाश से आपका सवाल क्या? सतीश से सवाल क्या? नहीं, आपकी पार्टी जो है 70 साल राज की है, लेकिन आपने कभी डेवलपमेंट पर बात नहीं करते हैं, आप आर्थिक विकास की बात नहीं करते हैं, आप सिर्फ जो पाकिस्तान की बात करते हैं, और आपकी नीति के चलते आप देशद्रोह के रूप में आपकी पार्टी की गिनती हो रही है, ऐसा क्यों? दूसरी बात, जो आप जैसे लोग इस पार्टी में हैं, लेकिन आपके अध्यक्ष जिनको बोलने का नहीं सहूर है, न वो बोल पाता है, वैसे लोगों को आपने क्यों अध्यक्ष बना दिया? ठीक है, आपने आपके सवाल का बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दूंगा। राहुल गांधी जी का आप कभी भी भाषण सुनिए, वो तीन ही मुद्दों की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। मेरे बड़े भाई को लगा रोजगार की बात करना, भाई साहब आपके लड़के की बात हो रही है, आपके भाई की बात हो रही है, और ये पाकिस्तान की, मैं कभी पाकिस्तान की, मैं डेवलपमेंट की बात करती हूँ। आपके अध्यक्ष जो बोलते हैं, बात नहीं करते भाई साहब। सर मेरा सवाल ये था, आपके अध्यक्ष जो बोलते हैं उसको बोलने का अर्थ क्या होता है, वो खुद उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, एक ही बात पे कुछ कह जाते हैं। ₹72,000 5 करोड़ परिवारों को चले जाए भाई साहब, तो इसमें क्या गलती है? अगर रोजगार मिल जाए, चौथी सरकारी पद भर दिए जाए, क्या गलती है? किसानों को गौरव सुनो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि राहुल गांधी पाकिस्तान की बात नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं? मणिशंकर अय्यर के घर में पाकिस्तान के राजनयिकों से बुला के और छुप के मीटिंग करते हैं और मीडिया में लड़ाई करते हैं। सुनिए, पब्लिक को बोलने दीजिए सर, ये नुपुर प्लीज। देखिए, आपने रामदेव जी के ऊपर प्रश्न उठाया, रामदेव जी ने क्या गलत काम करा? अगर उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना गलत है? क्या भ्रष्टाचार था नहीं 2014 तक 2G 3G कॉमनवेल्थ गर्ल? अरे रामदेव ने इस देश को योगा में खूब पुनर्जन्म दिया, योगा का वो हेल्थ के लिए कुछ काम कर रहे हैं, किसानों को रोजगार दे रहे, किसानों से वो कितना एलोवेरा और आंवला खरीदते हैं लो, और वो एक सुनिए आप सुन लीजिए ना सर, एक बात, कुछ सेकंड सर, मैं कह रहा हूँ रामदेव जी एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट को किसानों से खरीद रहे हैं, बाजार में बेच रहे हैं, कम से कम रेट पे बेच रहे हैं, विदेशी कंपनियों का मुकाबला करके बेच रहे हैं। पहले एलोवेरा आंवला ₹300 लीटर मिलता था, आज एलोवेरा आंवला ₹150 लीटर मिल रहा है। हमारे देश के किसानों से खरीद के हमारे देश के नागरिकों को कम अमाउंट में दे रहे, क्या गलत काम कर रहे हैं? रोजगार मिल रहा है, कोई गलत तो काम नहीं कर रहे ना सर उसमें? कोई मुझे लगता है बाबा रामदेव से समस्या सतीश भाई की है, वो मोदी के साथ खड़े हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े, यही समस्या है। बताइए अगर बाबा रामदेव जी इस देश के बाबा हैं
तो उनको जो सवाल वो कांग्रेस से या दूसरे लोगों से पूछते हैं, देश के बाबा तो नहीं है वो, अगर योग गुरु है नहीं, नहीं योग, अरे हमने तो उनको अंतरराष्ट्रीय मान लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी देखिए प्लीज डिबेट रामदेव के ऊपर नहीं है, डिबेट आपका था कि फॉरेन फंडिंग हो रहा है कि जो बाबा रामदेव ने बयान, जो बयान ठीक है, बयान उनका हो सकता है, ये पूरे जग जाहिर है कि एक फंडिंग हो रही है। जब इंडिया इमर्ज आउट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर इमर्ज आउट हो रहा है, उसकी पॉलिसी चाहे पाकिस्तान के बाबत हो, चाइना के बाबत हो, पूरे विश्व के बाबत हो, देश के लिए हो, तो उसको है ही सवाल है, तो फंडिंग के ऊपर में डिस्कशन करें, ना कि बाबा रामदेव के ऊपर। अब आप आपकी राय लूंगी, आप कहते हैं पाकिस्तान की बात, भाई साहब आपका मैनिफेस्टो खुद उठा के देख लो आप, आपने अफ्सपा को डाइल्यूट करके हमारे सेना का मनोबल तोड़ने की बात कही, बात तो आपने कर दी पाकिस्तान की। दूसरी बात, अगर आपकी नीयत इतनी अच्छी होती ना तो 5 दशक में गरीबी हटाओ का नारा ही निकलता, झोल निकलता। सवाल आपसे ले चुका, जो सवाल नहीं, आप राय अपनी रखिए, अपनी बात को रखिए, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता जो ये कह रहे हैं कि रामदेव जी ने कहा कि फंडिंग हो रही है, फंडिंग हो रही है, मनीष शंकर ने जा कहा 2015 में कि आप हमें मोदी हटाने मदद कीजिए, और वही फंडिंग का पैसा कमला के घर से पकड़ा गया, बेल्लारी में चुनाव स्थगित हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, सवाल और सवाल आप लोगों से ले चुका हूँ मैं, आप आइए प्लीज आइए निकल कर। मेरे को गौरव वल्लभ जी और सतीश प्रकाश जी, बात को रखिए अपनी क्विकली, नहीं वो रामदेव जी को बता रहे हैं व्यापारी, जब रामदेव जी एक गरीब व्यक्ति से उठ के एंटरप्रेन्योर बन गए तो फिर आप रोजगार को क्यों सवाल करते हैं? ठीक ठीक है, अच्छा सवाल आइए आइए, मैं लोगों की राय लेना चाहता हूँ, लोग भी अपनी बात को रख सके, बोलिए आइए, मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ, बोलिए। बात आ रही कि बाबा रामदेव जो है, बाबा रामदेव पर बहस नहीं है, पॉइंट की बात करिए, क्या विदेशी फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान को एजेंडा बना जा रहा है, क्या दूसरे चरण से पहले चुनाव वहीं जा रहा है? 6 महीने पहले पाकिस्तान के एक रिपोर्टर तारिक पीरजादा ने ये बात बोली थी कि अगर देश के अंदर, भारत के अंदर मोदी को हराना है तो कांग्रेस को और राहुल गांधी को और केजरीवाल को सपोर्ट करना जरूरी है, ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? तारिक पीरजादा अक्सर टेलीविजन स्टूडियोज में दिखते हैं, पाकिस्तान की तरफ से अपनी बात रखते हैं, उनको वो कोट कर रहे थे, लेकिन पब्लिक अपनी राय लेना चाह रही है, मैं जनता से इस पर राय लूंगा, लेकिन नुपुर शर्मा उससे पहले मैं आपके ऊपर पास आता हूं। अभी हमने देखा समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता डिंपल यादव ने बोला, जो आजम खान ने बोला वो छोटी सी बात है, किसी महिला के अंग वस्त्रों के बारे में बात करना अगर छोटी सी बात है तो वाकई ये शर्मनाक। मैं जरा अपना रुख बदलना चाहूंगी, अब नुपुर शर्मा मैं आप पर आता हूं और बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, सब लोग अगर खिलाफ हैं, सब लोग अगर एक साथ आ रहे हैं, विदेशी फंडिंग भी हो रही है, तो नरेंद्र मोदी को बीजेपी कैसे दोबारा लेके आ पाएगी? मैंने आपको पहले भी जवाब दे दिया, मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को जनता लेके आएगी पूर्ण बहुमत, 2014 से अधिक पूर्ण बहुमत से, और ये मत भूलिएगा, प्रैक्टिकल बात करिए ना, ये ना प्रैक्टिकली कर रही हूँ, 2014 में हमारे इतने कोलिशन पार्टनर जी थे जितने 2019 में 40 से अधिक हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, इनके और इनके मित्र का खुलासा नहीं हो रहा क्या? कभी अकबर लोन कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, कभी ओमर अब्दुल्ला कहता है कि नहीं भाई कश्मीर में अलग झंडा होगा, प्रधानमंत्री होगा, अलग राष्ट्रपति होगा, और इनकी अकाली दल जो इनका समर्थक है सरना, वो सरना अपने घर में पंजाबी बाग के अंदर, दिल्ली के अंदर पाकिस्तान के आउटगोइंग हाई कमिश्नर के लिए फेयरवेल पार्टी रखता है अभी के समय पे, जब पुलवामा बालाकोट का पूरी चर्चा चल रही है, तो ये जो कांग्रेस पाकिस्तान परस्त है इनका खुलासा हो रहा है। लेकिन मैं जरा महिलाओं के ऊपर आना चाहूंगी, आज डिंपल यादव ने साफ कर दिया कि सत्ता की भूख इतनी है कि हमारे देश की 50% जो हमारी आबादी है वो जाए तेल लेने। मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि यही अखिलेश यादव है जिसने सफाई देते हुए आजम खान के लिए ये कहा था कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, आजम खान ने वो तो विमेन इन जनरल के लिए बोल रहे थे। तो क्या मतलब समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है कि आधी आबादी की अंडरगार्मेंट का रंग क्या है, ये क्या मतलब है? और ये इनकी प्रियंका चतुर्वेदी आज ही उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस को गुंडे ज्यादा पसंद है, महिला कार्यकर्ता प्रियंका चतुर्वेदी विषय नहीं है, सारा पता चल गया, प्रियंका चतुर्वेदी विषय नहीं है, एक सेकंड में मेरी बहन है यहाँ बैठ के सारे सर, मेरा एक सवाल है, कांग्रेस प्रवक्ता बीएसपी प्रवक्ता है जो 2014 में एक दल थे, एक जानी दुश्मन थे ना, आज 2019 में खड़े हैं, ठीक है? आपकी राजनीति सिर्फ मोदी हराने की नहीं है ना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है देश को हराने की राजनीति है आपकी, देश को हराने की राजनीति है। एक बात जो कि महत्वपूर्ण है, देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने बोला मैं पिछड़ी जाति का हूँ इसलिए मुझ पर अटैक हो रहा है, इसलिए मुझ पर हमला हो रहा है, आप कहेंगे कि वो तो जातिवादी बयान है,
मायावती कह रही हैं क्योंकि मैं दलित हूं इसलिए इलेक्शन कमीशन ने मुझ पर कार्रवाई कर दी, आजम खान कह रहे हैं मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझ पर कार्रवाई कर दी। तो आखिरकार डिंपल यादव ने तो कमाल ही कर दिया, वो कह रही है कि बहुत छोटी सी बात है। छोटी बात लगती है आपको? नहीं देखो ऐसे आप लोगों को छोटी बात लगती है महिलाओं का अपमान? मैं आपकी लास्ट वाली बात से शुरुआत, अगर देश के प्रधानमंत्री संसद में अगर एक महिला हंसती है और उसको सुपर्ण का कहते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति में जो भाषा की जो उचिता है वो झूठा बोला। अगर वो कभी शब्द का प्रयोग नहीं किया था, अगर देश के प्रधानमंत्री दूसरी बात उस यूजर रामायण में तो सीधा भी जी रामायण में तो बड़े सारे लोग जितनी रामायण पढ़ रखी हमको अगर नरेंद्र मोदी जी हारते हैं तो देश नहीं हारेगा। किसी भी व्यक्ति से देश का स्थान बहुत ऊपर है, सरकारें किसी की भी बने लेकिन देश कभी नहीं हारता और भारत कभी नहीं हारेगा। सरकारें चेंज होती है, ये प्रक्रिया है। नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे आपको लगता है? 100% नहीं आएंगे। और ये रेडियो रेडियो पाकिस्तान पर नहीं आएंगे। देखिए अगर अगर रेडियो रेडियो पाकिस्तान सुनिए, बीजेपी का रेडियो पाकिस्तान भी चाहता है नरेंद्र मोदी नहीं आए। एक मिनट रेडियो पाकिस्तान भी चाहता है नरेंद्र मोदी नहीं आए। बताइए आप क्या कहते हैं के बयान के साथ खड़े हैं आप? बीजेपी का सबसे बड़ा कोई विरोधी है तो उसका 2014 का घोषणा पत्र है। ठीक है ठीक है, पब्लिक 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 के बाद सवाल 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 एक सेकंड आप भी कुछ कहना चाहते हैं बताइए बताइए एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सवाल सवाल सुन लीजिए सवाल नुपुर पब्लिक 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 नुपुर शर्मा पब्लिक को सुनिए नुपुर जी। जैसे कि अभी बयान आया है कि फंडिंग हो रही है, बाकी कंट्रीज जो है वो अगेंस्ट है मोदी जी के, क्योंकि उन्होंने मोदी जी का काम देखा है इतने सालों में, उन्हें पता है कि आगे चल के हमारी कंट्री ग्रो करेगी और सुपर पावर बनेगी और ऐसा नहीं चाहते बाकी कंट्रीज नहीं चाहते। आपने राय दी, एक सवाल है कॉल लेता हूं, आप क्या कहना चाहते बताइए। सर बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं आएगा, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कौन आएगा? मायावती आएंगी, ममता बनर्जी बनेंगी, अखिलेश यादव बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे, सर कौन बनेगा प्रधानमंत्री देश का? बता दीजिए मोदी नहीं तो कौन है आपकी तरफ से? कौन है पेश कर दीजिए, बड़ा खुलासा कर दीजिए। गणेश जी का नाम तो नहीं लिया हमने, मैंने पासवान जी का भी नाम लिया, मैंने नीतीश जी का भी नाम नहीं लिया। कैसी बातें कर रहे हैं? देश में महिलाओं की अभी बात कर रहे थे, मायावती पे क्या किया था समाजवादी वालों ने, भूल गए क्या? गेस्ट हाउस का ऐसा है, क्या कर रहे हो आप यार? महिलाओं के सम्मान में बात करिए। पासवान जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी के बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री की लड़ाई में नहीं बनने की सोच तो राहुल गांधी के दिमाग में है, ठीक है, जिन्होंने खुल के कहा। लेकिन एक बात, आपने कहा कि मोदी जी को हटा देंगे, क्या मोदी जी को कैसे हटाएंगे? मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी का विकास बोलता है, एक सेकेंड, मोदी जी का आतंकवाद पे हमला बोलता है, ठीक है मोदी जी का कश्मीर पे हमला, ठीक है ठीक है। गौरव वल्लभ और के सिन्हा, गौरव वल्लभ और के सिन्हा, गौरव जी वाजपेयी जी ने कहा काम बोलता है। अरे काम बोल रहा होता तो इमरान खान नहीं बोलता दादा, इमरान खान बोल रहा है कि मोदी जी को लाओ। फिर दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनो, मैं आपसे पूछता हूँ, आप रेडियो पाकिस्तान सिद्धू के पक्ष में बोलता हूँ, मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, गिरिराज सिंह कहते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? जितने भी आप लोग हैं अपने अंतरात्मा पे एक बार हाथ रख के सोचिएगा, रोजगार के बारे में मैं सुन लीजिए क्या रोजगार पे बात करना देशद्रोह है? क्या किसानों की कर्ज मुक्ति देशद्रोह है? क्या 33% महिलाओं का आरक्षण देशद्रोह? क्या 34 लाख सरकारी पद भरना देशद्रोह है? क्या 72,000 रुपए 5 करोड़ परिवारों को देना देशद्रोह? अगर ये देशद्रोह है तो हम देशद्रोह करेंगे। गौरव भाई इतना भावुक भाषण दिया आपने, लेकिन आपका शासन 10 साल रहा बिल्कुल रिसेंटली, उससे पहले 50 साल रहा जी, तो क्यों नहीं करा ये सब कुछ? आपको मैं एक चीज बताऊं, आजाद हुए थे हम 70% लोग गरीब थे, जो 2011-12 में 20% आए, पॉपुलेशन 6 गुना हो गई उसके बावजूद। मनरेगा को आज तक गरीबी उन्मूलन का गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को मेरे भाई, देखिए ये कोई अभी भी चाह रहा
कोई अफीम नहीं चाहता। ये भाषा गलत है। जनता को गाली नहीं पड़नी चाहिए। ये जनता से झगड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं और आप विकास की बात कर रहे हो। 34 करोड़ आपके खाते विकास भारत का विकास है। 8 करोड़ शौचालय भारत का विकास है। 7 करोड़ LPG आपका भारत का विकास है। 10,000 किलोमीटर हाईवे भारत का विकास है। आपका घोषणा पत्र पाकिस्तान परस्त है और आपका खुलासा इन जनता ने कर दिया है। ठीक है, अब अमीर जी, मैं देश के हित के बात करता हूँ। आप उसी को लाएं देश में चुन करके जो कि एक स्ट्रॉन्ग है, डिसाइसिव है, जो देश को ऊंचे हालात ले जाए। दूसरे राउंड के चुनाव से पहले ऐसे रुके, नो भाषणबाजी, नो नारेबाजी, फिलहाल इतना ही। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये जनता निर्णय करेगी। लेकिन कल दूसरे राउंड का चुनाव है, बटन दबाओ और देश को बनाओ, जरूर बनाइएगा। इसी मैसेज के साथ आज मैं विराम देता हूं।